हाँ तो सामाईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। मैं आप सबका छोटा दीनी भाई अफ्फू खान एक बार फिर से आप सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका हूँ। और आज इंशाल्लाह जो बातिल लोग हैं, जो लोग मेरे भाई झूठ बोलते हैं, बोतानबाजी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लोगों को मेरे भाई गुमराह करते हैं आधी अधूरी बात को पेश करके, आज इंशाल्लाह उन सबको आवाम के सामने इंशाल्लाह मैं नंगा करूँगा। और इंशाल्लाह ऐसे हवा में नंगा नहीं करूँगा इनकी तरह, इंशाल्लाह पूरे मेरे भाई सबूत के साथ, दलाइल के साथ, क्योंकि मैं अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। मैं इंशाल्लाह जो भी बात करता हूँ इंशाल्लाह भाई मैं एकदम भाई वो सबूत के साथ और भाई वो दलाइल की रोशनी में करता हूँ। देखिए मेरी खुद की मेरे भाई जो ज़ात है, ठीक है, और उस ज़ात का नाम है अफ्फू खान। तो अफ्फू खान को मेरे भाई कोई कुछ भी कहे, कोई मेरे भाई गालियाँ दे, कोई मेरे भाई जो मतलब भाई माँ है, बीवी है, बहन है या फैमिली है उसके ऊपर मेरे भाई पहुँच जाए और जो कुछ उल्टा सीधा बोलना है बोले, मैं कभी अपनी जो मेरे भाई जो ज़ातियात पे जो भी बात आती है मैं कभी उसका मेरे भाई आवाम में आके कोई उसका आंसर भाई मैं नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरी ज़ात है भाई वो मतलब कोई इतनी आला थोड़ी ना है, कोई हुज्जत थोड़ी ना है। तो ये इन लोगों ने मेरी मतलब जो मेरी खुद की जो मेरी भाई जो ज़ात थी उसको इतना भाई आला बना दिया है कि जितनी बार मेरे भाई दिन में ये लोग आला हज़रत का नाम नहीं लेते हैं ना, उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग लेते हैं अफ्फू खान अफ्फू खान अफ्फू खान। तो अब हमको लग रहा है अहमद रज़ा खान वो मेरे भाई आला आला हज़रत हैं इनके। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में आया है अफ्फू खान वो हो गया है भाई सुपर आला हज़रत। तो इसीलिए ये लोग मेरे भाई 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते मेरे भाई फेसबुक पे व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे सिर्फ मेरे भाई क्या करते हैं अफ्फू खान अफ्फू खान अफ्फू खान अफ्फू खान ये हो गया अफ्फू खान वो हो गया अफ्फू खान ने ऐसा कर दिया अफ्फू खान ने वैसा कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तमाम लोग हमारे आलिम दीन को छोड़ के सब लोग मेरे भाई हाथ धो के नहा धो के नंगे हो के मेरे पीछे पड़ गए। कोई बात नहीं, आप लोग मेरे भाई पड़े रहो। तो जो मेरी मेरे भाई ज़ातियात पे मेरे भाई जो बात मेरे भाई लोगों ने उठाई है उसका मैंने ना तो भाई अभी तक कोई मेरे भाई आंसर दिया है ना मैं कभी आगे दूंगा, क्योंकि मेरे भाई ज़ातियात का दिफा करना हमारी आदत नहीं है। हाँ, अब इन्होंने जो मेरे भाई जो इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, झूठ बोला है, बोतानबाजी की है, वो मेरे ईमान पे लगाया है, अकायद पे लगाया है। तो इंशाल्लाह मैं उसका दिफा इंशाल्लाह करूँगा वो भी इल्मी अंदाज में। तो सामाइन आज का जो टॉपिक है उसको गौर से एकदम सुनिएगा, इसमें चार बातें आने वाली हैं। पहली बात आएगी कि क्या अफ्फू खान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं क्या उनकी शान में भाई वाकई मेरे भाई जानबूझ के तौहीन की है, क्या अफ्फू खान का या भाई आज के अहले हदीसों का क्या ये मेरे भाई अकायद है अकीदा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं माज़ल्ला क्या भाई वो जाएंगे जहन्नम में, क्या ये हमारा अकीदा है ईमान है। तो ये जो पहला पॉइंट है आज इंशाल्लाह इस पे बात होगी। इसी वीडियो में इंशाल्लाह भाई दूसरा पॉइंट आएगा क्या कि अगर कोई इंसान मेरे भाई गलती कर दे और अल्फाज में उससे मेरे भाई जुमले में उससे कुछ ऊपर नीचे हो जाए क्या वो मेरे भाई दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है, क्या उसको मेरे भाई दोबारा इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, वापस मेरे भाई उसको निकाह करना पड़ेगा एहतियातन। तो दूसरा जो मतलब जो भाई जो बात होगी टॉपिक पे वो होगी कि क्या मेरे भाई इस टाइप से अगर इंसान से अगर चूक हो जाए, ठीक है, गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो क्या मेरे भाई वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। तीसरी जो मेरी टॉपिक पे बात होगी वो ये होगी कि अगर कोई इंसान अल्लाह सुबहान व तआला से तौबा कर ले तो क्या मेरे भाई दोबारा तब भी उसके ऊपर भाई क्या वो जो इल्ज़ाम है क्या वो मतलब भाई बाकी रहेगा। तो ये होगा। और चौथा मेरे भाई जो पार्ट होगा वो ये होगा कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे क्या मेरे भाई क्या वो ईमान वाले थे, क्या वो ईमान वाले थे या मेरे भाई काफिर थे या मेरे भाई बुतों की पूजा करने वाले थे। तो इस पे बात होगी। तो ये चार पॉइंट पे आज इंशाल्लाह बात होगी। सामाइन इस वीडियो को सुनिए और तमाम बरेलवी जो हमारे भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसको गौर से मेरे भाई सुनिए समझिए और जो मेरे भाई हक बात हो उसको कबूल कीजिए। किसी की मेरे भाई ज़ातियात पे ईमान पे अकीदे पे उंगली उठाने से पहले पहले खुद को इंसान को देख लेना चाहिए। चलिए अब आते हैं सामाइन आगे। ये एक
एक बरेलवी हैं, इनका नाम है मोहम्मद फारूक रज़ा टीटीएस। ये इनकी भाई तस्वीर है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। इनका मेन काम है भाई अहले हदीस आलिमों को कॉल करना, परेशान करना, उनको मेरे भाई गालियां देना और उनकी मेरे भाई आवाज़ को टेप करके अपने मेरे भाई चैनल पे अपलोड कर देना कि देखो ये भाग गया, वो भाग गया, ये भाग गया और मेरे भाई वो फला भाग गया, वो मेरे भाई जवाब नहीं दे पाया, वो ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया। ये इनका मेन काम है, ठीक है। तो ये है, अब इन्होंने हमको जो आज भेजा है वीडियो वो ये भेजा है, क्या नबी, ठीक है, क्या नबी जहन्नम में जाएंगे। चलिए ठीक है, ये है इनका भाई ये चैनल है यूट्यूब का, इसमें जो टॉपिक है वो ये है कि क्या नबी जहन्नम में जाएंगे, अफू बिदती काफिर की गुस्ताखी एक्सपोज्ड। तो भाई चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो ये वीडियो है इन्होंने डाला है ये 3 नवंबर 2018 में, तो चलिए इसमें देखते हैं है क्या आखिर। जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा भाई, वो तो नबी का बेटा था, अब जन्नत में जाएंगे, वो भी नबी थे इस्माइल, माशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा जन्नत में जाएगा। हाँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा भाई, वो तो नबी का बेटा था, अब जन्नत में जाएंगे, वो भी नबी थे इस्माइल, माशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा जन्नत में जाएगा। हाँ हाँ, तो सामाइन एक तो हो गई ऑडियो ये, ठीक। अब दूसरी ऑडियो मैं आप सबको इंशाल्लाह भाई मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये यूट्यूब पे जब हम जाएंगे अपने और इस पे चले गए और ये देखिए ये अपलोड हुआ है वीडियो, ये इस चैनल का नाम है राहिल खान ऑन हक और ये इन्होंने अपलोड किया है कि अफू खान ने नबी के बेटे को, ठीक है, माज़ल्ला जहन्नमी कहा, इस टाइप से वीडियो है इनका। तो आइए इसको सुनते हैं। कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा भाई, वो तो नबी का बेटा था, अब जन्नत में जाएंगे, वो भी नबी थे इस्माइल, माशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा जन्नत में जाएगा। हाँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा भाई, वो तो नबी का बेटा था, अब जन्नत में जाएंगे, वो भी नबी थे इस्माइल, माशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा जन्नत में जाएगा। हाँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हाँ, तो सामाइन ये देखिए, ये 15 सेकंड की ऑडियो है जिसको इन्होंने एक ही पार्ट को दो बार भाई अपलोड किया है, यानी कि भाई ये टोटल हो गया भाई 30, भाई ये हो गया 30 सेकंड्स का, ठीक है। तो ये 15 सेकंड की जो मेरे भाई जुमला था इसको इन्होंने मेरे भाई एक ऑडियो में, जो मेरे भाई हमारी बात हो रही थी अब्दुल्ला तोतले से, उसको मेरे भाई पूरी ऑडियो को छोड़ के इन्होंने 15-16 भाई ये जो सेकंड्स का भाई जो जुमला था उसको इन्होंने अपने चैनल पे भाई अपलोड किया था ये 25 अक्टूबर 2017 में, यानी कि भाई 2017, ठीक। तो आ जाते हैं भाई 2017 में इन्होंने अपलोड किया है। अब देखिए सामाइन, इसको फिर से एक बार आप लोग सुनिए, अभी इंशाल्लाह आपके समझ में आएगा कि क्या खेल हुआ है इसमें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा भाई, वो तो नबी का बेटा था, अब जन्नत में जाएंगे, वो भी नबी थे इस्माइल, माशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा जन्नत में जाएगा। हाँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा भाई, वो तो नबी का बेटा था, अब जन्नत में जाएंगे, वो भी नबी थे इस्माइल, माशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा जन्नत में जाएगा। हाँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हाँ, तो सामाइन आप एक चीज़ हमें खुद ईमानदारी से आप बताइए कि अगर किसी का फ़ोन आएगा तो पहले इंसान मेरे भाई क्या कहेगा, हेलो, हाँ भाई कौन बोल रहा है, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं, हाँ क्या बात करनी है, फिर बात करते 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 बात मेरे भाई पहुँचेगी ना, या मेरे भाई डायरेक्ट फ़ोन आएगा और सामने वाला फ़ोन उठाएगा कह देगा ये बताओ जो भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा है वो कहाँ जाएगा, मतलब क्या यहाँ से बात स्टार्ट होती है, नहीं,
ये कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, मैं आपको एकदम भाई मैं शॉर्ट फॉर्म में इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ भाई। जो इसकी मेरे भाई जो स्टार्टिंग है वो ये है कि करीब मेरे भाई एक साल पहले एक अब्दुल्ला नाम का भाई, एक बहुत बड़ा गालीबाज है बरेलवी, उसका फ़ोन आया था मेरे पास और वो हमसे भाई ये बोला, ठीक है कि मतलब भाई अपना भाई पहले तो फ़ोन उठाया, उसने कहा कि मैं भाई मैं बोल रहा हूँ मौलाना कादरी, तो मैंने कहा बताइए, तो बातचीत मतलब भाई आगे स्टार्ट हो गई। तो बात मेरे भाई होते होते पहुँच गई, क्या हो गई कि इस मेरे भाई अब्दुल्ला तोतले ने कहा कि हमको तो हमारे जो औलिया अल्लाह है ना, हम उनको मेरे भाई अल्लाह थोड़ी ना मानते हैं, वो तो जब हम लोग मेरे भाई आखिरत में जाएंगे तो हमारा हाथ पकड़ के हमको दाखिल कर देंगे जन्नत में और हमारा भैया बेड़ा पार कर देंगे। तो इस बात के ऊपर मैंने भाई इस बात को छेड़ी थी कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं बड़े बड़े, वो अपने फैमिली वालों को तो मेरे भाई बचा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो आपके औलिया अल्लाह पीर बाबा आपको कहाँ से बचा लेंगे। तो मैंने उसकी मिसाल इनको दी थी कि ये बताओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बाप हैं भाई वो कहाँ होंगे, और जो भाई वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है वो कहाँ होगा। फिर मेरे भाई दोबारा हमने कहा कि ये बताओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बेटा है कहाँ होगा। तो ये मुझसे कन्फ्यूज़न हो गया। मैंने इसी ऑडियो में मैं तमाम बरेलवियों को चैलेंज करता हूँ कि अब्दुल्ला तोतले की जो वो ऑडियो है जिसमें भाई अफ्फू खान की बात हुई है, उस ऑडियो को मेरे भाई पूरा अपलोड कर दें। ये बीच में से भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे भाई काट के 15 मेरे भाई सेकंड का जुमला, उससे कुछ नहीं साबित होने वाला। ये दलील मेरे भाई बनाई जा रही है, ये दलील है नहीं। एक होती है दलील जो मेरे भाई वाजे हो, और एक होती है दलील को मेरे भाई बनाना, फिट करना, कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के बात भैया सामने वाले को काफिर साबित कर देना। तो ये दलील मेरे भाई इन लोगों ने बनाई है, क्यों उसके पीछे मेरे भैया मेहनत की है, पूरी ऑडियो में से 15 सेकंड का जुमला काट के उसके ऊपर भाई नमक मिर्चा हल्दी पुदीना चटनी मेरे भाई लगा के इन्होंने वीडियो अपलोड किया। तो वीडियो अपलोड किया तो मेरे भाई ये बताइए, वीडियो अपलोड किया था तो पूरी ऑडियो अपलोड करते ना, उसी ऑडियो में मैंने कहा था मैं अल्लाह सुबहान तआला को भाई मैं गवाह बना के भाई मैं ये ओपन बोल रहा हूँ कि आज से एक साल पहले की बात है। उसी ऑडियो में हमने लास्ट में भाई इस अब्दुल्ला तोतली से कहा था कि नहीं 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 इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप भाई वो जाएंगे भाई कहाँ जाएंगे भाई, वो जाएंगे जहन्नम में, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जाएगा भाई, वो जाएगा जहन्नम में, उसी ऑडियो में हमने कहा। लेकिन वो बात को मेरे भाई आवाम के सामने पेश ही नहीं किया गया। ठीक, अब आते हैं मेरे भाई, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, ये जो मैंने भाई जो ये बेटा था ये मैं ये कहना चाह रहा था कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेके मैंने उनके बाप की जगह मैंने भाई अनजाने में गलती से कंफ्यूजन में स्पीड में हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने बोल दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जाएगा। तो ये मामला था। अब इस मामले को मेरे भाई 15 सेकंड की ऑडियो को काट के इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि अफ्फू खान तो मेरे भाई जहन्नम का टिकट खरीद लिया और जहन्नमी हो गया और ये हो गया वो हो गया। चलिए ठीक, अब मेरे भाई आते हैं इसकी हकीकत पे। आप मेरे भाई ये टाइप करेंगे कि अफ्फू खान ने अपनी ऑडियोज में की गई, ठीक बस इतना टाइप कर देंगे। ये देखिए आ गया, ये मेरे भाई आपको मेरे भाई कितना बता रहा है, एक्शन का रिएक्शन हमारा भाई चैनल है, ठीक है। 11 महीने पहले भाई ये ऑडियो हमने अपलोड की थी, ये देखिए, ये मेरे भाई 11 महीने पहले हमने ऑडियो पहले अपलोड कर दी थी कि अफ्फू खान ने अपनी ऑडियोज़ में की गई गलती को भाई कबूल किया और अल्लाह से तौबा किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा चैनल है एक्शन का रिएक्शन, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम करीब करीब भाई साल भर पहले ही इसको अपलोड कर चुके हैं। और इस ऑडियो को मेरे भाई सुनाने में फ़ालतू में भाई टाइम जाएगा क्योंकि मुझे अभी काफ़ी मेरे भाई जो इन लोगों की भाई इल्ज़ाम है उसके ऊपर बात करनी है। तो ये ऑडियो हमारे भाई ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई है भाई चैनल पर, आप लोग जाएँ इसको मेरे भाई गौर से मेरे भाई सुन लें,
इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम आवाम से भी माफ़ी मांगी है और अल्लाह सुबहान व तआला से भी तौबा किया है कि जो ये मुझसे गलती हुई, अनजाने में हुई, कन्फ्यूज़न में हुई, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगता हूँ। खैर, एक साल पहले मैंने आवाम से भी माफ़ी मांग ली थी और अल्लाह सुबहान व तआला से भी सच्ची तौबा कर ली थी। अब ये लोग मेरे भाई मानने को तैयार नहीं है। अब आइए देखते हैं, आज मैं कह रहा हूँ, मैं आज कह रहा हूँ भाई कि मैं अल्लाह सुबहान व तआला से आज फिर एक बार फिर से भाई मैं तौबा करता हूँ सच्ची कि ऐ अल्लाह सुबहान व तआला, मैंने जो बोला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे माज़ल्ला जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह मैं ये बोलना चाह रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जाएंगे जहन्नम में, तो अल्लाह सुबहान व तआला ये हमसे चूक हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ऐ अल्लाह सुबहान व तआला तू अपने बंदे को माफ़ कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए ठीक, अब आते हैं मेरे भाई आवाम से माफ़ी मांगने के लिए। तो तमाम बरेलवी भाई और मेरे भाई देवबंदी भाई और मेरे भाई जितने भी लोग हमारी इस ऑडियो को मेरे भाई सुन रहे हैं, मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई इंसानियत के नाते कि मैं भी इंसान हूँ और अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदम की हर औलाद मेरे भाई खताकार है, लेकिन उनमें अच्छा कौन है जो तौबा कर ले। तो भाई मेरे से ये चूक हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, मैं आप तमाम भाइयों से भी भाई मैं अपने अंदर से दिल से इंसानियत के नाते भाई मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मेरे प्यारे भाइयों हमको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और मैंने अल्लाह सुबहान व तआला से भी तौबा कर ली आप सबके सामने, और अकेले में तो भाई मैं डेली अस्तगफार अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं पढ़ता रहता हूँ, अल्लाह से तौबा भी करता हूँ, वो खैर हमारा बातनी अमल है, लेकिन जो मेरे भाई ज़ाहरी तौर पे है वो मैंने एक साल पहले भी तौबा किया था और आवाम से माफ़ी मांगी थी मेरे भाई, जिसका सबूत मेरे भाई ये वीडियो है, इसको आप लोग मेरे भाई जाइए हमारे चैनल पे आराम से इसको मेरे भाई सुनिए। और आज फिर एक साल बाद फिर मैं जब ये मेरे भाई जो ये वीडियो है ये शेयर हो रहा है आग की तरह, मैं फिर से अल्लाह सुबहान व तआला से मैंने अभी तौबा किया है और आवाम से माफ़ी मांगी है, ठीक। अब बात हो गई फ़ाइनल, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब जो मेन मुद्दा ये है कि अगर कोई ऐसी मेरे भाई गलती कर दे, गलती से भी चलो मान लिया, अब जो मेरे भाई जो बरेलवी लोग हैं या मतलब जो बाकी लोग हैं वो कहेंगे चलो मान लिया अफू खान इंसान है, इंसान होने के नाते भाई मतलब भाई वो बोलना चाह रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप, लेकिन उसकी मेरे भाई ज़बान से भाई ये आ गया, चूक हो गई, गलती हो गई कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो अब चलो ठीक है, मान लिया गलती है, उसने तौबा भी अल्लाह से कर ली, आवाम से भी माफ़ी मांग ली, चलो ठीक है माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन अब अफू खान ने इतना बड़ा जुमला बोला है तो ये बहुत बड़ा मेरे भाई कुफ्र है। तो कुफ्र है यानी कि भाई ये इस्लाम से बाहर हो गया, अब इसको भाई फिर से मेरे भाई इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा और फिर से अपनी बीवी के साथ भाई एहतियातन निकाह करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, इस तरीके से एहतियातन अगर आप लोग कहते हैं ना भाई वो निकाह करो, अगर मेरे भाई निकाह नहीं करोगे तो अपनी बीवी के साथ जो अमल कर रहे हो जिना है और जो औलादें पैदा होंगी हरामी होंगी, माज़ल्लाह क्या क्या अलकाब लगा देते हैं लोग, कहीं का सर मेरे भाई जोड़ के कहीं की टांग में मेरे भाई जोड़ते हैं और एक मेरे भाई या कोई वो नया ही मसला बना देते हैं। चलिए आते हैं, इसका भी इंशाल्लाह इल्मी अंदाज़ में आपको आंसर देते हैं, ठीक भाई। जो हनफी मेरे भाई जो फिक है उसकी जो मोतबर भाई जो मेरे भाई किताब है, ठीक है, फिकुल अकबर, उसमें आता है कि जो मेरे भाई जो सहाबा इकराम है, ठीक, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको गाली देना भाई ये कुफ्र नहीं है माज़ल्ला, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, हमने जो बोला वो तो मेरे भाई गलती हो गई जिसके हमने माफ़ी भी मांग ली, अल्लाह से तौबा भी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह भी हम जिंदा हैं, हयात हैं, और अहले हदीसों का तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये मनहज है कि जब भी मेरे भाई कोई चूक होती है, गलती होती है, फौरन तौबा करता है, फौरन माफ़ी मांगता है, तो हमने तो मांग लिया। लेकिन भाई ये हनफी मेरे भाई फ़िका पे अमल करने वाले जो देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, इन दोनों की मौत पर भाई ये मतलब भाई किताब है क्या कि हनफी फ़िका की मोतबर मेरे भाई जो किताब है भाई फिकुल अकबर, उसमें साफ़ लिखा हुआ है, ठीक है, हवाला इंशाल्लाह मैं दूंगा, मेरे पास आप लोग फ़ोन कीजिए, मैं इंशाल्लाह ओरिजिनल स्कैन इंशाल्लाह भेजूंगा, उसमें लिखा हुआ है
कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको अगर कोई मेरे पे गाली देता है तो ये भाई जो कुफ्र होता है ये मेरे भाई कुफ्र नहीं है। जबकि आज हम जानते हैं कि सहाबा इकराम को मेरे भाई अगर कोई गाली दे रहा है एकदम होशो, अगर मेरे भाई वो ठीक ठाक है, अगर वो मेरे भाई पागल नहीं है, अगर मेरे भाई होश उसके अंदर है और होशो हवास में अगर भाई वो किसी भी सहाबा इकराम को अगर मेरे भाई गालियाँ दे रहा है तो वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। ठीक, तो मेरे भाई अगर हमको ये लोग साबित करना चाह रहे हैं कि हमने निकाह नहीं किया तो हमारे जो बच्चे होंगे हरामी साबित होंगे क्योंकि हमने मेरे भाई कुफ्र मेरे भाई बोल दिया, तो अब ये बताइए जो हनफी फिका जो लोग अमल कर रहे हैं, यानी कि तमाम लोगों ने एहतियातन भैया भाई जो होता है निकाह उसको मेरे भाई किया ही नहीं, यानी कि ये तमाम मेरे भाई जो मतलब जो ये बरेलवी हैं जो हमारे नाम से मेरे भाई वीडियो को काट पीट के पेश कर रहे हैं वो तमाम भैया क्या हो गए, वो हो गए हरामी। क्यों? क्योंकि उनके अम्मा अब्बा ने भैया ना तो तौबा किया अल्लाह से, ना ही मेरे भाई उन्होंने एहतियातन भाई फिर से अपनी अपनी औरतों के साथ भाई वो निकाह किया। तो उनसे कहिए कि पहले जाके निकाह करें, बाद में हमको राय दीजिए। हमारा निकाह है वो हमारा अपना अमल है, हमारे वहाँ भाई मतलब भाई जो ये होता है ना भाई ये धक्के धक्के पे निकाह टूट जाना, ये मेरे भाई धक्के धक्के पे निकाह हमारे वहाँ भाई नहीं टूटता है। हमारे वहाँ मेरे भाई निकाह टूटने की मतलब भाई वो कंडीशन है, ठीक है, ये सब नहीं होता है कि किसी ने मेरे भाई कुछ अनजाने में उससे मेरे भाई चूक हो गई, गलती हो गई तो फौरन बीवी हराम हो गई, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। ये तो हनफियों के वहाँ होता है कि एक ही इमाम के दो मानने वाले लोग हैं, एक अपने आप को कह रहे हैं हम देवबंदी हैं और एक अपने आप को कह रहा है कि हम हैं बरेलवी। अब एक बरेलवी अगर मेरे भाई देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ ले तो नमाज तो होगी कि नहीं होगी वो तो मेरे भाई बात की बात है, सीधे बीवी मेरे भैया उसकी हो जाती है हराम, उसका मेरे भाई जो निकाह होता है टूट जाता है। अब वो फिर से कलमा पड़ेगा, फिर से बीवी के साथ एहतियातन निकाह करेगा, तो ये सब हमारे वहाँ नहीं है मेरे भाई खेल तमाशा। हमारे वहाँ निकाह आधा दीन है, वो मेरे भाई इतनी आसानी से भाई वो नहीं टूटता है धक्के धक्के पे। खैर अब आके आते हैं, ये तो एक मेरे भाई छोटी सी मिसाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मिसालें हमारे पास रखी हुई हैं क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं इस मेरे भाई फील्ड में हूँ पिछले भाई करीब मेरे भाई 4-5 साल हो गए। ठीक है, अब एक मेरे भाई आँखों देखा मेरे भाई आपको बताता हूँ मिसाल। ठीक, हमारे इलाहाबाद के भाई एक अल्लामा हैं बरेलवियों के, वो मेरे भैया उनकी मेरे भाई वो हो रही थी तकरीर हो रही थी, तो उनकी तकरीर में हमारे साथी लोग हमको लेके गए, उनसे मेरे भाई चूक हो गई। अब क्या चूक हो गई, अब देखिए उन्होंने बोल दिया कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अनहु, यानी कि उन्होंने क्या बोल दिया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अनहु। तो अब ये बताइए माज़ल्ला, ये अगर मैं उनकी मेरे पे गलती का उस समय भाई मैं वीडियो अगर मैंने भाई वो बना लिया होता और मैं अगर ये भाई मैं उसको इस तरीके से पेश कर देता, देखो ये जो बरेलवी मौलाना है इसने तो उम्मत की माँ को माज़ अल्लाह आदमी बना दिया, मतलब बोल रहा है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि हम जानते हैं कि भाई जो सहाबियाँ होती हैं उनके साथ हम लोग कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अब मेरे भाई क्या हुआ, हमने सुना अपने कानों से भाई सुना, बाकी लोगों ने भी भाई सुना, लेकिन मेरे भाई आदमी जब मेरे भाई बयान करता है बातचीत करता है तो उससे मेरे भाई वो मतलब बोलना चाहता है अनहु ही, लेकिन उसके मेरे भाई ध्यान में नहीं रहता है, या मेरे भाई अनहा को मेरे भाई अनहु बोल देता है या भाई वो अनहु को अनहा बोल देता है। तो अब अगर मैं इन सब मेरे भाई बातों को ले लेके अगर मैं लोगों को मेरे भाई इस्लाम से बाहर करना स्टार्ट कर दूँ ना तो कोई मुसलमान ही भाई नहीं बचेगा दुनिया में, तमाम बरेलवी देवबंदी भाई वो आसानी से बाहर हो जाएंगे, तो ये कोई उसूल नहीं होता है। इसी तरीके से मेरे भाई आम तौर पे मेरे भाई जो होता है भाई ये बायां दायां, ठीक, अब बायां दायां हैं, अब कोई आलिम दीन भाई अपना भाई वो लेक्चर दे रहा है और लेक्चर में बोल रहा है कि अल्लाह के नबी भाई उनकी मतलब भाई ये मतलब भाई तरीका है कि अल्लाह के नबी भाई वो बाएँ हाथ से पानी पीते थे, यानी कि उसने मेरे भाई अल्लाह के नबी के ऊपर जानते बूझते भाई वो झूठ बांध दिया। नहीं, उन्होंने कन्फ्यूज़न में बोल दिया, क्योंकि बायां और दायां मेरे भाई अक्सर लोगों को मेरे भाई कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो उन्होंने क्या किया, वो ये बोलना चाह रहे थे कि अल्लाह के नबी
ठीक है भाई, वो सीधे हाथ से, यानी कि भाई वो दाएं हाथ से पानी पीते थे, लेकिन उनके मेरे पे ज़बान से आ गया, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो गया, उन्होंने मेरे भाई ये बाएं दाएं में भाई कन्फ्यूज़ होके बोल दिया कि अल्लाह के नबी भाई वो मतलब अपने उल्टे हाथ से बाएं हाथ से पानी पीते थे। तो अब क्या मेरे भाई उनकी इस मेरे पे गलती को पकड़ के हम आवाम के बीच में डाल देते वीडियो बना के कि हाँ ये देखिए इसने तो कह दिया, मतलब नबी के ऊपर झूठ बांध दिया, इसका तो मेरे भाई इस्लाम से बाहर हो गया, अब तो बीवी हराम हो गई, अब तो जो इसकी औलादें होंगी सब मेरे भाई क्या होंगी, हरामी होंगी। तो ये कोई कयास नहीं होता। खैर, ये तो मिसाल भाई जो हमने दी है वो तो मेरे भाई समझाने के लिए दी है। अब आते हैं भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, सहाबा के मनहज पे हैं, तो सहाबी की मिसाल इंशाल्लाह देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह गौर से सुनिए और पूरा सुनिए, ये सुनना पड़ेगा आप सबको, ताकि आप लोग जो मेरे भाई जो ये लोगों को आवाम को जो भाई मतलब ये बेवकूफ़ बनाते हैं ना, वो आज इंशाल्लाह आपको नंगा इंशाल्लाह कर दूंगा मैं। देखिए भाई, सहाबी भाई वो जा रहे होते हैं भाई, वो अपना कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, ठीक है, सफ़र पे, तो भाई उनके साथ भाई उनका ऊँट होता है, ठीक है, उसके ऊपर सामान होता है, ठीक है, माल वाल होता है। तो भाई वो क्या करते हैं, सोचते हैं लो भाई मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, और आराम करने के बाद जब भाई वो सो के उठते हैं तो देखते हैं जो उनका भाई ऊँट है, सामान है, माल है, सब गायब है मेरे भाई। तो वो मेरे भाई दूर दूर तक देखते हैं, कोई एक आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। अब बेचारे वो एकदम परेशान हाल कि बताओ उनका जो माल था, सामान था, सवारी थी, सब चला गया, कहाँ गुम हो गया, अल्लाह जाने, परेशान बेचारे। और रोते रोते भाई वो सो जाते हैं, और सो के जब उठते हैं तो देखते हैं कि भाई जो उनका जो ऊँट होता है, सवारी होती है, माल होता है, सामान होता है, सब उनके सामने आ जाता है वापस। तो वो इतना खुश हो जाते हैं, अब गौर कीजिएगा सामाइन, वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि भाई वो मतलब भाई उनको इतना अच्छा लगता है कि वो एक जुमला बोल देते हैं। अब वो जुमला क्या है सुनिए, अब वो जुमला क्या है उसको सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे भाई सहाबा जो थे, हमारे भाई जो हमारे भाई वो अच्छे अच्छे सहाबा थे, उनसे भी मेरे भाई चूक हुई, भूल चूक हुई, तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो हमारे मतलब जो सहाबी थे उन्होंने क्या मेरे भाई फरमाया। वो जब उठे, देखा उनका जो सामान है, ऊँट है, सब मेरे भाई आ चुका है वापस, तो उन्होंने इतने जोश में आके कह दिया कि ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा अल्लाह, माज़ल्ला। आपने सुना, वो जोश में आके कहते हैं कि अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह, यानी कि माज़ल्ला, उनकी ज़बान से इतना बड़ा कुफ्र भाई आ गया, ठीक। लेकिन क्या हुआ, ये उन्होंने मेरे भाई जानबूझ के नहीं कहा, उनका ऐसा मेरे भाई ना तो ईमान था, ना ही भाई ऐसी सोच थी, ना ही उनका अकीदा था, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि तू मेरा अल्लाह और जो भाई मैं हूँ मैं तेरा बंदा, लेकिन ज़बान से उनकी आ गया अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह। तो गोया अब क्या मेरे भाई ये जो हनफी बरेलवी हैं, क्या वो ये कहेंगे कि सहाबा ने ऐसा बोला तो उन्होंने माज अल्लाह भाई मतलब भाई वो कुफ्र कर दिया, उन्होंने मेरे भाई अल्लाह होने का दावा कर दिया, यानी कि वो इस्लाम से बाहर हो गए। तो हमें एक वाकिया, एक हदीस, एक आसार हमको बता दीजिए कि इन सहाबी ने भाई ये इस्लाम से मतलब भाई ये बाहर हो गए हों, और अल्लाह के नबी ने कहा हो कि देखो सहाबा ऐसा है, तुमने जो भी बोला, जाने अनजाने बोला या मतलब जैसे भी बोला, अब तुम इस्लाम से बाहर हो चुके हो भैया, ठीक है, अब तुम एक काम करो, दोबारा इस्लाम कबूल करो, दोबारा भाई कलमा पढ़ो, दोबारा जाके आओ, नहा के आओ, आराम से नहा के आने के बाद भाई आराम से पाकी हासिल करने के बाद भाई आराम से भाई जाके नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद भाई जाओ अपनी औरत के साथ भाई फिर से एहतियातन भाई तुम जाके निकाह करो। अगर ऐसा मेरे भाई कोई सबूत है तो हमको दे दो, क्यों, क्योंकि भाई दावा आपका है तो दलील आप देंगे, आपने कहा है कि अफ्फू खान से जो ये चूक हुई है, मिस्टेक हुई है, ये मेरे भाई कुफ्र है, अब ये भले ही जाने अनजाने में हुआ हो, अब तो ये इस्लाम से बाहर हो गया, दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, दोबारा निकाह उसको करना पड़ेगा एहतियातन। तो भाई हम आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया सूरह अल बकरा
सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में कि कुल हाथ बुनानुकुम इन तुम कुम सादिकीन, भाई कहो अगर वो सच्चे हैं तो अपना भाई वो ले आए सबूत, ले आए दलील, ले आए, तो हम आपसे कह रहे हैं अगर आप सच्चे हो भाई सबूत पेश कर दो, भाई हमें बता दो क्या ये सहाबी, क्या मेरे भाई ये दायरे मतलब जो भाई वो दायरा था इस्लाम, क्या क्या उससे मेरे भाई बाहर हो गए, या जब उन्होंने भाई ये जुमला कहा कि ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह, तो क्या अल्लाह ताला ने आसमान से कोई आयत को क्या मेरे भाई को नाजिल किया कि नहीं ये बंदे ने तो ऐसा बोल दिया, इसने अपने आप को अल्लाह कह दिया, इसको मेरे भाई इस्लाम से बाहर करो, इसको कत्ल कर दो, इसको ये करो वो करो, नहीं कहा। तो भाई आप कौन होते हैं कहने वाले? तो इस तरीके के मेरे भाई सैकड़ों मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह भाई मौजूद हैं किताब व सुन्नत में, लेकिन आप खोल के भाई आज से कभी आपने पढ़ी हो तो ना, आप लोगों ने और आपके जो अल्लामा हैं उन्होंने ये ठेका ले रखा है कि हम जितनों को भाई इस्लाम के अंदर हम दाखिल हम नहीं करेंगे उसके मेरे भाई कम से कम भाई वो 10 गुना लोगों को इस्लाम से बाहर कर देंगे। क्या तुमने ऐसा कर दिया इस्लाम से बाहर, तुमने वैसा कर दिया इस्लाम से बाहर, इस्लाम से खारिज, इस्लाम से बाहर। तो इस तरीके से हमारे वहाँ मेरे भाई धक्के धक्के पे कोई इस्लाम से बाहर भाई नहीं होता है। इस्लाम से बाहर मेरे भाई होने की बहुत सारी कंडीशन हैं मेरे भाई, शरायत हैं, वो आपको क्या पता। ठीक, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि जो मैंने भाई जो किया वो मेरे भाई सहाबा से भी ऐसी मेरे भाई चूक हो चुकी थी और हमसे बड़ी चूक हुई थी। हमने तो भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई हम बाप को बोलने जा रहे थे लेकिन हमारी ज़बान से आ गया बेटे के बारे में, लेकिन यहाँ तो भाई सहाबी कहते हैं कि अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह। अब बताइए, यानी कि उन्होंने खुद को मेरे भाई मतलब भाई अल्लाह बना दिया और अल्लाह को माज़ अल्लाह बना दिया बंदा। तो अब बताइए, लेकिन उनके ऊपर कोई तंबी नहीं क्योंकि भाई वो जोश में थे, खुशी में थे, उन सामान उनका मिल गया था, वो बोलना क्या चाह रहे थे। देखिए मेरे भाई, ये मेरे भाई हदीस है बुखारी शरीफ की, ठीक है, हदीस नंबर 1 कि जो आमाल है, आमाल का जो भी दारुमदार है भाई वो भाई कहे पे नियत के ऊपर। तो नियत मेरे भाई साहबी की मतलब भाई वो क्या थी कि वो ये कहने जा रहे थे कि ए अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा अल्लाह, लेकिन उनकी ज़बान से आ गया कि अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह। उसी तरीके से मेरे अंदर की जो मेरे भाई जो उस दिन थी नियत वो ये थी कि मैं भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को बोलने मैं भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को बोलने जा रहा था और भाई वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बोलने जा रहा था, लेकिन मेरे मतलब भाई वो स्पीड में बोलने के मतलब भाई ताल्लुक से वजह से ये हो गया कि मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे बाप की जगह मैंने बेटा बोल दिया। ये गलती हुई मुझसे, इसकी मैंने आवाम में 1 साल पहले माफ़ी मांग ली, आज मांग ली, अल्लाह से 1 साल पहले तौबा कर लिया, आज तौबा कर लिया, तब भी लोग बाज नहीं आ रहे। तो शेयर करना है शेयर करने दो। अब आते हैं मेरे भाई आखिरी पॉइंट पे। अब वो आखिरी पॉइंट क्या है? अब बाज़ लोग ने मतलब भाई कहा कि अफ्फू खान ने चलो मान लिया, जो कहा तो कहा, चलो ठीक है मेरे भाई गलती हो गई, उसने तौबा कर लिया, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को तो मेरे भाई जानते बूझते कहा ना कि वो जाएंगे भाई जहन्नम में, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप तो वो भाई ईमान वाले थे, ईमान वाले थे, मुस्लिम थे, तौहीद परस्त थे, यहाँ तक के दावे होने लगे। अब आइए इसको भी देख लेते हैं भाई थोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ूंगा नहीं, अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अब सुनिए मेरे भाइयों, मैं खुद आज पूरे मेरे भाई होशो हवास में भाई मैं ये भाई मैं कह रहा हूँ, पहले जो कहा वो तो अनजाने में कहा, उसकी माफ़ी मांग ली, उसके लिए मतलब भाई हमने तौबा कर लिया। आज मैं पूरे होशो हवास में भाई मैं कह रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अब्बा थे बाप थे, ठीक है वालिद थे, वो मेरे भाई ईमान वाले नहीं थे और वो जाएंगे भाई जहन्नम में। और किसी भी बरेलवी की हिम्मत हो वो अफ्फू खान को डायरेक्ट फ़ोन करे और इस टॉपिक पे बात कर ले कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे वो ईमान वाले थे या भाई वो भाई काफिर थे, इस टॉपिक पे हमसे बात कर ले, हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं। खैर अब देखिए भाई, जो मेरे भाई अल्लामा हैं बरेलवियों के वो ये कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे उनका नाम था तारिक,
तो मेरे भाई वो जो थे बहुत ईमान वाले थे, ठीक है, तकवे वाले थे, लेकिन जो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बात आती है कि भाई ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे उनका नाम भाई वो तारिक था, तो ये जो आता है भाई ये किसी हदीस में नहीं आता, ना मेरे भाई कुरान की आयत में आता है। ये मेरे भाई ये तारीखी बातें हैं जो लोगों ने अपने आप से मेरे भाई दीन में डाल दिया है, इसकी कोई मेरे भाई हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के जो अल्लाह का भाई जो कलाम है, किताब है, कुरान है, उसमें आ चुका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप के ताल्लुक से, और उनका नाम भी आ चुका है, नाम है आज़र, आज़र, आज़र। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम है आज़र, और उनके ताल्लुक से मेरे भाई आता है कि भाई वो जो मतलब भाई जो ये मूर्तियाँ होती थी, ठीक है, बुत होते थे, उनकी मेरे भाई इबादत भी करते थे, उनको बना के बेचते भी थे, तो इतने बड़े काफिर थे। तो उनके ताल्लुक से तो भाई अल्लाह ने अपने मेरे भाई कुरान में कह दिया है कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे भाई वो उनका नाम था आज़र। तो अब ये बताइए, अब मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि अल्लाह सुबहान व तआला ने भाई कुरान में कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आज़र था। तो आज़र था वो कौन थे भाई? वो मूर्तियों की पूजा करने वाले थे। तो भाई उस बुनियाद पर भाई वो जाएंगे कहाँ? जाएंगे जहन्नम में, ठीक। और ये लोग कहते हैं जो तारीखी बातें हैं, ये मेरे भाई झूठी बातें हैं, कि नहीं नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप का नाम था वो भाई तारिक था। तो तारिक मेरे भाई हमको दिखा दो कुरान में। भाई हम तो अहले हदीस हैं ना, हमारे सामने भाई कुरान पेश करो, हदीस पेश करो, इंशाल्लाह हम मान जाएंगे। खैर, तक कयामत तक ये साबित ही नहीं भाई अपनी बात को कर सकते हैं। अब दूसरा मुगलता क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप हैं उनको माज़ल्ला अफ्फू खान ने कह दिया, मतलब भाई वो जाएंगे जहन्नम में। तो मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये हदीस है मेरे भाई बुखारी शरीफ की, खोल के आपने अगर पढ़ी होती तो मेरे भाई आपके समझ में आता ना भाई। आखरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहेंगे कि हमारे बाप को माफ़ कर दे, तो फौरन अल्लाह सुबहान व तआला कहेंगे नहीं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपने पैरों पर देखो, तो देखेंगे कि मेरे भाई एक जो वो कीड़ा होता है बिच्छू चार पैर वाला, वो मेरे भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पैर है वहाँ पे भाई चिपका होगा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको पैर से अपने हटाएंगे, झटकेंगे, और वो सीधा चला जाएगा जहन्नम में। वो भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप होंगे, आज़र, आज़र, आज़र। तो ये तो मैंने मेरे भाई हदीस की बुनियाद पर कहा है। अब आप लोग ना कुरान पढ़े, ना हदीस पढ़े, ना सहाबा के बारे में पढ़े, और आगे हो मेरे भाई किससे, अहले हदीसों से इल्म के मैदान में बात करने। खैर, अब दूसरा मुगालता ये है कि भाई जो ये लोग हैं, ठीक है, ये लोग कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे वो काफिर थे, ईमान वाले नहीं थे, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैं पैदा होऊंगा, मेरी जो मतलब भाई जो भी होगी नस्ल भाई वो मतलब भाई वो पाक होगी, पाक यानी कि अल्लाह के रसूल, ठीक है, वो फरमाते हैं कि मेरी जो मेरे भाई जो भी है नस्ल वो भाई पाक है। तो इन्होंने उससे कयास कर दिया कि देखो अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि जो मेरी भाई जो भी है नस्ल भाई वो पाक है, तो मेरे भाई आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी तक कोई भी मेरे भाई काफिर, मुशरिक और ये सब मेरे भाई था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, इस हदीस का माना ये मेरे भाई नहीं है। इस हदीस का माना ये है कि अल्लाह के नबी की जो मेरे भाई नस्ल है वो बेशक पाक है। पाकी का माना ये है कि उनके जो मेरे भाई जो भी होंगे नस्ल में भाई वो जानिया नहीं होंगे, यानी कि जो वो औलाद होंगे नुक्ते से वो मेरे भाई बराबर एकदम भाई पाकी से आए होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई जानिया होंगे, जिनाकार होंगे नस्ल में, कोई और किसी के साथ मेरे भाई हमबिस्तरी कर ले, वहाँ से माज़ अल्लाह भाई वो नबियों का जो मतलब भाई वो जो भी है भाई वो पैदाई से भाई वो अपना होना स्टार्ट हो जाए। तो उसका मानना ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम, ठीक है, और अल्लाह के रसूल, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पाक भाई उससे होंगे नस्ल से। तो नस्ल से माना ये है कि उनकी नस्ल में कोई जानिया नहीं होगा, यानी कि जो मेरे भाई जिसका बाप है वही उसका बाप रहेगा। ये नहीं है कि मेरे भाई ज़ाहरी तौर पे तो बाप मतलब इनको मान रहे हैं, बातिनी तौर से जानिया हो कोई और उसका बाप हो, ये इसका माना है, ये माना नहीं है। अगर इसको ये माना ले लिया जाए ना तो भाई ये अबू तालिब
अबू तालिब फिर मेरे भाई कहाँ से आ गया, ठीक, फिर ऐसे से फिर ये सब फालतू बातें नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपनी बात को इंशाल्लाह भाई मैं ख़त्म करता हूँ। सामाइन के बाद भाई हमको लगता है, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह सुबहान व तआला से कि उनकी जो बात है भाई समझ में आ गई होगी कि ये मेरे भाई बहुत बड़ा झूठ है, मुगालता है। भाई ये 15 सेकंड की ऑडियो को लोगों में शेयर कर करके भाई ये लोगों से कह रहे हैं कि अफ्फू खान ने माज़ अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को माज़ अल्लाह काफिर बोल दिया, जहन्नमी बोल दिया। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के ताल्लुक से हमारा जो अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िंदा हैं, अपने पूरे होशो हवास में हैं। हम आपको बता देते हैं कि वो तो मेरे भाई ये बाप और बेटे ये तो ऐसे मेरे भाई लोग हैं, ऐसे नबी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तक कयामत तक भाई जो कुर्बानी का जो भाई वो अहमियत है, ठीक है, जज्बा है, वो इंशाल्लाह बाकी रहेगा। क्योंकि जो हम लोग ईद मनाते हैं बकरीद वाली, ठीक है, ईद उल अज़हा, वो मेरे भाई इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक बेटे ने अपने अब्बा जान से कहा था कि अब्बा जान अपनी छुरी के नीचे हमको रख के भाई हमें भाई अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। तो वो बेटा, ठीक, जो अल्लाह के लिए अपने बाप के चाकू के नीचे आ गया, हम माज़ अल्लाह उसको काफिर कहेंगे, जहन्नुमी कहेंगे, तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कभी होशो आवाज़ में तो मेरे भाई कह ही नहीं सकते। हाँ, चूक हो जाए, गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, कहना कुछ और चाह रहे हो, कुछ और मेरे भाई ज़बान से आ जाए, तो वो भाई हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, उनसे भी मतलब भाई वो अपना मतलब भाई हो गई थी भूल चूक, तो हमसे भी भाई हो गई भूल चूक। तो भाई सामाइन, मैंने साबित कर दिया कि भाई जो मेरा अकीदा था वो क्या था और जो ये ऑडियो है इसकी हकीकत क्या है, जो लोग हमारे नाम से भाई वो मतलब शेयर कर रहे हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो भाई जो बाप थे वो भाई पक्के काफिर थे और भाई वो जाएंगे जहन्नम में, ये मेरे भाई कुरान हदीस से साबित है। अब जिसके हिम्मत हो वो हमको डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर ले, फालतू में भैया उंगलीबाजी ना करे, मुगालतेबाजी ना करे, ठीक है। सामाइन, आप सब लोग अच्छे से रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।